नमस्कार, एमएमसी न्यूज में आपका स्वागत है। 10 मार्च को मनाया जाने वाले होली के त्योहार को लेकर डीएम और एसपी गाजीपुर ने सभी तहसीलों के एसडीएम, सीओ और 27 थानों के थानाध्यक्षों समेत जिले के सभी कार्यक्रम आयोजकों के साथ बैठक की। बैठक में होली पर्व को लेकर कार्यक्रम आयोजकों से शांति व सद्भाव के साथ मनाने की अपील की। कार्यक्रम आयोजकों के बाद डीएम ओम प्रकाश आर्य और एसपी ओम प्रकाश सिंह ने सभी एसडीएम, सीओ और थानाध्यक्षों के साथ मीटिंग की। इस दौरान डीएम और एसपी ने होली पर्व अराजकतत्व के मद्देनजर अलर्ट भी किया। वहीं होली पर्व के मद्देनजर कार्यक्रम आयोजक दिनेश वर्मा से बात की गई तो उन्होंने बताया कि आज डीएम एसपी के नेतृत्व में होली पर्व को सकुशल व शांतिपूर्ण ढंग से मानने के लिए बैठक बुलाई गई थी, जो एक सराहनीय पहल थी और हम लोगों की कोशिश भी रहेगी कि जो भी कार्यक्रम किया जाएगा वो शांतिपूर्ण। तो एक तरफ होगा ना? जी हाँ, तारीख दूसरी तरफ इसका दूर कर लो। मानने का वही है प्रशासन के तरफ से, शासन के मंशा के अनुरूप कि पूरे प्रदेश में यदि होली के अवसर पे किसी भी तरह की कोई समस्या और बवाल होता है तो उस जिले का डीएम और एसपी जिम्मेदार होगा। हमें लगता है कि उसी क्रम में, उसी प्रयास में जिलाधिकारी गाजीपुर के द्वारा ये बैठक बुलाई गई थी प्रशासन के लोगों को, और साथ ही वो जो पूरे ज़िले में जो किसी भी तरह का आयोजन करते हैं, बारात का या किसी फंक्शन का, उन और होली का दहन का, उन लोगों को, ऑर्गेनाइजरों को बुलाया गया था और उनसे एक तालमेल और उनसे एक अपेक्षा की गई कि किसी भी तरह की कोई समस्या है, बवाल या झगड़ा ना हो, शांति बनी रहे। क्या इससे कोई एक सार्थक पल निकलेगा इस त्यौहार में? हमें लगता है कि कोई भी पहल या कोई भी रिजल्ट वो परस्पर सहयोग से ही निकल सकता है, एक तरफा किसी के प्रयास से नहीं हो सकता। देखिए, होली के त्यौहार को सकुशल संपन्न कराने के उद्देश्य से आज जनपद के सभी पुलिस प्रशासनिक अधिकारी और इस त्यौहार में जो जुलूस निकलता है या जो विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम होते हैं उनके आयोजकों के साथ एक संयुक्त रूप से बैठक की गई है। उनको इस त्यौहार को सकुशल संपन्न कराने के लिए कहाँ पे कोई, यदि कहीं कोई दिक्कत है तो वो दिक्कत क्या है और हमको उनसे क्या अपेक्षाएँ हैं, उनको हमसे क्या अपेक्षाएँ हैं, ये एक विचार विमर्श हुआ और हम लोगों ने बहुत अच्छे वातावरण में एक बैठक की है। और ये हम आश्वस्त हैं कि इस बैठक के बाद ये त्यौहार बहुत ही बेहतरीन तरीके से पूरे खुशी के वातावरण में ये संपन्न है।